Good morning students, how are you all? So today we will start with moral science second semester. Okay, in the last semester we did chapter 1 to 8. Now we will do chapter number 9. So you will all open your textbook and chapter number 9 is a small poem. We will see what the poem is regarding what. So open your textbook. The chapter name is Let Us Enjoy. Chapter name is Let Us Enjoy. Now we will start. First understand the chapter, then with the video I will send the question answers, blanks and true or false. Okay, so the poem starts like, sing a little, dance a little, as you go your way, work a little, play a little, do this every day. Now here in the first paragraph the poet is telling, sing a little, thoda sa sing karo, डांस करते थोड़ा सा डांस करो, एज यू गो योर वे, आप जब अपने रास्ते चल रहे हो, वर्क अ लिटिल प्ले अ लिटिल, थोड़ा वर्क भी करो थोड़ा प्ले भी करो, डू दिस एवरी डे मींस हियर दे आर ट्राइंग टू से दैट यू हैव टू डांस, यू हैव टू सिंग, यू हैव टू प्ले, यू हैव टू वर्क, सो यू डोंट हैव टू डू जस्ट वन थिंग इन अ डे, डू लिटिल लिटिल थिंग्स एंड डू दिस, मेक दिस एज अ हैबिट फॉर एवरी डे. थोड़ा थोड़ा काम हमें सब करना चाहिए, थोड़ा डांस भी, थोड़ा सॉन्ग भी, थोड़ा प्ले, थोड़ा वर्क. सो दिस शुड बी योर हैबिट. ओके, गिव अ लिटिल, टेक अ लिटिल, नेवर माइंड अ फ्रोन. फ्रोन का मतलब पता है क्या? ऐसे जब अपन व्हेन वी रेज अवर आईब्रोज, जब हम हमारी आईब्रोज को ऐसे ऊपर करते हैं, जब हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, दैट इज टू फ्रोन. ठीक है, गिव अ लिटिल, टेक अ लिटिल और नेवर माइंड अ फ्रोन. हम किसी को देते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, अगर किसी के फेस पे वो फ्रोन बनता है, फ्रोन यानी कोई ऐसा फ्रोन जैसा फेस बनाता है, ऐसे कोई फ्रोन स्माइल देता है, आईब्रोज ऊपर करके गुस्से में या कुछ ऐसे देखता है, सो डोंट माइंड दैट, डोंट वरी. हमें लेना है, हमें लेना भी सीखना है और देना भी सीखना है. ठीक है, मेक योर स्माइल अ वेलकम थिंग ऑल अराउंड द टाउन. आपकी स्माइल जो है वो एक हमेशा रखने की, टू वेलकम एवरी वन एंड टू ऑल द टाउन. ओके, प्रे अ लिटिल, लव अ लिटिल, स्काईज आर ऑलवेज ब्लू, एवरी कलर हैज अ सिल्वर लाइनिंग, बट इट इज अप टू यू. थोड़ा सा प्रे करो, थोड़ा सा लव करो, हमेशा स्काई जो है वो ब्लू होता है, बट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. ये कोटेशन है कि सारे क्लाउड में एक सिल्वर लाइनिंग, किसी ना किसी में कुछ अच्छी चीज या कुछ बुरी चीज तो होगी. कोई इंसान पूरा अच्छा या पूरा गंदा नहीं होगा. एवरीवन हैज डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी. ठीक है, इफ समवन इज नॉट गेटिंग मार्क्स इन सम सब्जेक्ट्स, सो इन अदर सब्जेक्ट्स ही मे बी गुड और शी मे बी गुड, और ही और शी मे बी गुड इन अदर ड्रॉइंग और गेम्स और एनी स्पोर्ट्स और एनी म्यूजिक. सो एवरी चाइल्ड, एवरी पर्सन हैज सम टैलेंट्स. ठीक है, so it is up to you that how we are going ahead in our way or in our life. ठीक है, यहाँ पे poem थी, छोटी सी poem थी, हमें ये सिखा रहे हैं कि थोड़ा dance और थोड़ा काम करके, थोड़ा play करके आगे बढ़ो. इसमें ऐसा दिखा रहे हैं second paragraph में कि we should give a little, थोड़ा सा देना थोड़ा सा लेना, दोनों से. ठीक है, और never mind the throne, ऐसे आई को ऊपर करके कोई ऐसा रूप देता है, सो डोंट माइंड, उसको आप ध्यान नहीं दो. अपनी स्माइल को हमेशा रखो और सारे पीपल को दे दो. थोड़ा सा प्रे भी करो, थोड़ा सा लव भी करो. स्काई हमेशा ब्लू होते हैं, पर याद रखेंगे कि क्लाउड में हमेशा थोड़े लाइनिंग, थोड़ा काला और सिल्वर लाइनिंग. क्लाउड्स जो है वो क्या है, वो हमेशा काले काले होते हैं, उसमें लाइनिंग्स होती है. तो जरूरी नहीं है कि वो खराब ही है या वो बहुत अच्छा ही है. हर इंसान में, एवरी पर्सन हैज सम और द अदर गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स. अंडरस्टूड, ये हमारी पोएम थी. इसके बाद हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स है. व्हाट शुड वी डू एज वी गो ऑन अवर वे. जब हम वे पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे. तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही पढ़ा कि वी हैव टू सिंग अ लिटिल, वी हैव टू डांस अ लिटिल, वी हैव टू वर्क अ लिटिल एंड वी हैव टू प्ले अ लिटिल. बट वी आर ऑन अवर वे, वी हैव टू सिंग अ लिटिल एंड डांस अ लिटिल. Then what should we do every day? Every day क्या करना है, तो work a little, play a little. ठीक है, what should we make a welcome thing around the town? हमारी smile जो है वो हमारा welcome thing होना चाहिए.
Our smile should be our welcome thing. ठीक है. So these were very small question answers. I will send the PDF file with this blanks also. Give a little, take a little. Never mind a frown. Frown means to raise our eyebrows and give a look. Pray a little, now a little. Sky are always blue. Every cloud has a silver lining. So these were the question answers and blanks. We did this also. This was very small chapter. So I end up my video here. For the next video, I'll start with chapter number 10. Okay, till then, copy this question answers and blanks in your notebook. Blanks you will copy here only in textbook itself. Only copy the question answers in your textbook. But with questions, some of them are not writing questions when the schools were there. So, you are at home. So, I don't think that you must be writing or you must be leaving. At home also, you have to be very punctual. Write the questions properly. Anytime parents meeting will come and I will check the notebooks. Okay, then this will not look good if you are not writing the questions and ma'am is putting question mark in them. Okay, so better you complete your book nicely. Okay, thank you.